देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद प्रतापगढ़ मांधाता ब्लॉक में अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं है। प्रतापगढ़ मांधाता ब्लॉक में बीते दिनों कुछ भूमाफिया टाइप के दबंग लोगों ने एक महिला और उसके बच्चे को दुकान हटाने को लेकर जमकर पीटा। आपको बता दें कि दबंग टाइप के ये लोग सुनार बिरादरी के हैं। महिला को इतना पीटा गया कि वो घायल हो गई। अब तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया और आरोपी पुलिस के साथ पैसे की लेन देन करने में लगे हुए हैं। प्रतापगढ़ जनपद इस समय अपराधगढ़ बन चुका है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि जनपद प्रतापगढ़ में आए दिन ऐसी घटनाओं को देखते हुए प्रतापगढ़ की पुलिस फिसड्डी मानी जा रही है। अपराधियों को पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। जहां एक तरफ सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ प्रतापगढ़ जनपद के मांधाता ब्लॉक में आए दिन महिलाओं के साथ हो रहा अत्याचार आखिर कैसे कम होगा। प्रतापगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद करने में आखिर किसका हाथ है, कहां से मिलता है संरक्षण। अपराधियों का जो बोलबाला प्रतापगढ़ में हो रहा है आखिर कब समाप्त होगा। प्रतापगढ़ में आखिर क्यों नहीं पुलिस का खौफ। प्रतापगढ़ में अपराधियों को संरक्षण देते हुए पुलिसकर्मी थाने में बैठकर चाय पिला रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ पुलिस क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रही है, इस बात पर चिंतन मंथन करना अब जरूरी हो गया है। आखिर क्यों आए दिन अपराध का पारा प्रतापगढ़ में बढ़ता जा रहा है। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। थाने का है, कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें महिला की पिटाई की जा रही थी, घुमटी थोड़ी, उसको लेकर आज शायद थाने का घेराव भी हुआ है, सैकड़ों महिलाएं पहुंची। क्या है मामला सर, उसमें क्या कर रहे हैं? मांधाता कस्बे में गुप्ता और सोनी परिवार के बीच में आबादी की जमीन को लेकर के विवाद था, जहां गुप्ता पक्ष द्वारा घुमटी रखी जा रही थी और सोनी पक्ष द्वारा उसका विरोध किया जा रहा था। इसको लेकर के दोनों पक्षों में आपस में मारपीट की घटनाएं महिलाओं पुरुषों के साथ हुई। उनकी तहरीर पर 323, 504, 506 का अपराध पंजीकृत दोनों तरफ से कराया गया। गुप्ता पक्ष से 3 और सोनी पक्ष से 3 व्यक्तियों की 151 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इसी दौरान जिला अस्पताल में भर्ती गुप्ता पक्ष की एक महिला ने निर्वस्त्र होने का वीडियो वायरल करते हुए ये कहा गया कि उसके साथ छेड़खानी की गई। वह एक स्वयं सहायता समूह से संबंधित थी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सूचना करके उनको बुलवा ली, जिसमें 150-200 महिलाएं आईं और उन्होंने प्रदर्शन करना, विरोध करना शुरू किया। लेकिन जब संबंधित क्षेत्राधिकारी रानीगंज द्वारा उनकी वार्ता जिला अस्पताल में भर्ती महिला कांस्टेबल के माध्यम से उस मरीज से कराई गई तो वो संतुष्ट होकर के चली गई और जो तहरीर उनके द्वारा पुनः दी गई उसे विवेचना में शामिल करते हुए अग्रिम कार्रवाई कराई गई। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।